हिमाचल की राजधानी शिमला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 89वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान तिब्बतियन स्कूल में उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दलाई लामा इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं, ऐसे में उनके जन्मदिन पर देश विदेश में रहने वाले उनके लाखों अनुयायी उनकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदेश सरकार ओंकार शर्मा ने सभी तिब्बती समुदाय के लोगों को दलाई लामा के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, आज महामहिम दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है, हिज होलीनेस उनका आज 89th बर्थडे है। मैं अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार और पूरे हिमाचल वासियों की तरफ के उनको इस जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं और वो उनकी लंबी आयु हो और ये जो शांति, भाईचारा और एक समाज में एक समरसता की जो बात करते हैं उससे उसके तहत जो है हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। दलाई लामा जी जो हैं यहाँ पे जब से तिब्बत से निर्वासित होकर यहाँ पे इंडिया में आए हैं, हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि वो धर्मशाला में रहते हैं और उनके कारण जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके पास ब्लेसिंग लेने आती है। तो ये आज के उपलक्ष्य में बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पीस की जो बात करते हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो समाज के हर हिस्से में पहुँचे और आपसी भाईचारा हर समाज के हर वर्ग में बना रहे, यही मेरी कामना है। और मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।